अभी तक जो सिस्टम था, जो डिप्रेशन था अभी नॉर्थ झारखंड और नेबरहुड के ऊपर, वह मूव होके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव हुआ है पिछले 6 घंटे में, और इंटेंसीफाई हो चुका है एक डीप डिप्रेशन में। और उसका जो सेंटर है 8:30 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट झारखंड और साउथ वेस्ट बिहार और अडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट झारखंड के ऊपर एट प्रेजेंट लैटिट्यूड 24.4 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 84.4 डिग्री ईस्ट पे बना हुआ है। यह सिस्टम जो कंटिन्यू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करेगा और अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट झारखंड, साउथ वेस्ट बिहार, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश होता हुआ अगले 48 घंटे में। यही सिस्टम है जिसने कि हमारे उड़ीसा के ऊपर पिछले जो 24 घंटे में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन किया, ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की और 5 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा जो पुरी के पिपली में 109 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके साथ ही जो दूसरे सिस्टम है उसमें ईस्ट वेस्ट ट्रफ है जो कि नॉर्थ राजस्थान और साउथ असम तक जा रही थी, अभी वो डीप डिप्रेशन जो अभी मैंने बोला उसके सेंटर से होते हुए ईस्ट असम तक जा रही है, समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर हाइट के ऊपर। उसके अलावा जो मानसून ट्रफ है वो अभी सेंटर एक लो प्रेशर एरिया राजस्थान के ऊपर, साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर और नेबरहुड के ऊपर, उसके सेंटर से अजमेर, ग्वालियर, सिद्धी, फिर डीप डिप्रेशन के सेंटर से होता हुआ बनकोरा, कनिंग से होता हुआ साउथ ईस्ट और होता हुआ नॉर्थ ईस्ट वे बंगाल के ऊपर जा रही। तो ये 3 सिस्टम अभी जो बने हुए हैं जिसके प्रभाव की वजह से आज डे 1 में जो है हमारा जो वेस्टर्न उड़ीसा है वहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस से हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा जो डे 1 में हम लोगों ने नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और बाकी जो उड़ीसा बचा साउथ उड़ीसा में फेयरली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे 2 में नॉर्थ उड़ीसा में जो है अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और साउथ उड़ीसा में स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम आगे मूव हो जाए तो इसके प्रभाव से बारिश का प्रभाव थोड़ा कम होगा। 5 तारीख को पूरे उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 6 तारीख को नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, केंदुझर, अनुगुल, ढेंकनाल इन सब डिस्ट्रिक्ट में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बाकी रेस्ट उड़ीसा में जो कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा 6 तारीख को हम लोग ने येलो वार्निंग दी है आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से, जिसमें सुंदरगढ़, केंदुझर, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकनाल, बालासोर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। 7 तारीख को भी येलो वार्निंग है तो उसमें जो वर्षा थोड़ी बढ़ेगी, ज़्यादातर स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, केंदुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बुलांगीर, नुआपाड़ा, मलकानगिरी, कोरापुट और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं।